नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अभी UP SSC ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है और बहुत सारे बच्चे लगातार UP SSC PET की तैयारी करने में जुट भी गए हैं। देखा जाए तो लगातार जैसे जैसे PET के वर्ष बीतते जा रहे हैं, पहले अगर देखा जाए तो जो फॉर्म की संख्या थी वो मुझे लगता है 25 लाख के आसपास थी, फिर 37 लाख के आसपास हुई, और इस बार अगर देखा जाए जो ये लगातार तीसरा वर्ष है तो 37 लाख से कम तो नहीं होना है, ये लगभग 40-42 लाख के आसपास ही जाएगा, और इससे भी ज़्यादा चला जाए तो कोई भी अचंभा या कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। कारण भी उसका बहुत ज़्यादा ये है कि लगातार जो उसमें बच्चे हैं PET तो लगातार उसमें भर ही रहे हैं, उसमें चयन होने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। हालांकि PET में कैसे तैयारी की जाए, कि कैसे सफलता हमें अर्जित करनी है, कैसे हमारे परसेंटाइल अच्छे आए, कैसे हमारा स्कोर जो है PET का वो अच्छे से अच्छा सुधरे, ताकि हमें भी जो मुख्य परीक्षा है उसे बैठने का मौका मिले और एक जो बोल सकते हो कि पद है अपने नाम अर्जित करने का यहाँ पे मौका मिले। तमाम सारी चीज़ें इस पे जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे करना है तैयारी, PET 2023 से कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं। हालांकि 2022 की बात करें तो जितनी भी वैकेंसीज थी शायद ही कोई ऐसी वैकेंसी है जो कंप्लीट हो पाई है, बट ऐसे ही 2023 की बात करें तो लोअर PCS, स्टेनो, गन्ना पर्यवेक्षक, लेखपाल की नई भर्ती, ASO, अकाउंटेंट, कनिष्ठ सहायक की नई भर्ती, स्पेशल पोस्ट के भी बहुत सारे भर्ती जो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के हो गए या फिर कुछ शिक्षा विभाग में क्लर्क की भर्ती हैं वो भी कुछ आ सकते हैं, या फिर कोई टेक्नीशियन का हो गया या JEE का हो गया या टेक्निकल पद के कोई और भी पद हो गए, तो वो सब हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, स्पेशल पोस्ट में रख रहे हैं जो PET 2023 से आने हैं। इसके लिए हमें कोचिंग लेनी है या फिर कोचिंग की जरूरत नहीं है, किताबें कौन सी पढ़नी है, क्या वही किताबें पढ़नी है, नई किताबें पढ़ने की आवश्यकता है, PDF का हमारे पास भंडार लगा हुआ है, कलेक्शन है हमें उसका क्या करना है, सेफ स्कोर कितना रहेगा, मतलब कितना एक परसेंटाइल हो जाए कि लगभग सारे वैकेंसीज में बैठने का हमें मौका मिल जाए, और टेस्ट का क्या रोल रहेगा, इन सब के समग्र रोल से हमारा 85+ कैसे हम लोग स्कोर को अंक अर्जित कर सकते हैं, इस पूरे सेशन में हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि PET वास्तव में है क्या, इसको कैसे तैयार करना है और इसका जो हो सकता है ऑप्टिमाइज्ड वे में कितना बेहतर तरीके से लाभ लिया जा सकता है, वो सब कुछ इस हम लोग सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि अगर एक रणनीति की बात किया जाए, स्ट्रेटजी की बात किया जाए, तो कैसे हम लोग को अपना मैक्सिमम स्कोर करना है। जो मैं एक सेफ स्कोर की बात करता हूं कि कितना तक आपका स्कोर हो जाए तो आप बोल सकते हो कि PET में एक अच्छा खासा स्कोर उसे बोला जाएगा। हालांकि परसेंटाइल की अगर बात किया जाए तो परसेंटाइल में 90% के ऊपर ही, 90% की बात नहीं कर रहा हूं, 90% की बात कर रहा हूं, और 90% होता है ये एक सेटिस्फैक्ट्री बोला जाता है, UP SSC PET में। बट कोई पद जो 200 में 300 में जनरल पद मतलब सिंपल ग्रेजुएशन या नॉर्मल ग्रेजुएशन या ऐसे पद जिसके लिए लगभग सारे बच्चे एलिजिबल हों और उसकी पद की संख्या भी कम हो, तो वहाँ पे 98-99% भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे 2-3 पद आपके आए भी थे UP SSC आयोग में ही, तो इस चीज़ को आप समझते हुए चलना। अभी 90% स्कोर, बट ये 90% PET के किस PET में कितना बना है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और कितने स्कोर पर आपका 90% बनेगा। लेकिन ये 90% बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें वो टारगेट किस टॉपिक पे टारगेट करना चाहिए कि हम इस 90% तक पहुंचे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा 2021-22 PET दोनों को मिला लिया जाए, दोनों में से जो सबसे ज्यादा पद कोई आया है तो वो है 8000+ जो पद आया है वो किसका है, लेखपाल का। हालांकि वैकेंसी भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसका जो कट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ देखा जाए तो शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ इसका 64+ नंबर गया था, और ये क्या करते हैं, ये 2 अंक तक ही क्या लेते हैं, शॉर्ट टेस्टिंग करते हैं, जिसके बदौलत उस जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है PET का वो 5-5 अंक 6-6 अंक का होता है, लेकिन 2 अंक तक ही क्या करते हैं ये बुलाते हैं, जिसके बाद के जो 3-4 अंक होते हैं वो कोई भी, अगर आगे के 2 अंक सेम है पीछे के 3 अंक अलग भी हैं तो वो सारे बच्चे बुला लिए जाते हैं, जो करीबन 30 गुना भी कई बार हो जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो 8000 की वैकेंसी पे लगभग 30 गुना जब बुलाए गए थे तो 64 समथिंग या 64 एग्जैक्ट हम लोग मान लें ग्राउंड फिगर, इतना कट ऑफ गया था, और ये जो परसेंटाइल बना था इसमें 86-87 या मैक्सिमम 87-88% के आसपास बना था, इस बात को समझते हुए चलना। तो 88% ये तब के केस में बना है जब UP SSC के द्वारा कोई ऐसी वैकेंसी जिसका पद हजारों की संख्या में है, दूसरी बात
कॉमन बच्चे उसमें बैठ सकते हैं, मतलब जनरल कोई भी बच्चा बैठ लेगा जो 12th पास है, कोई इसके लिए बहुत स्पेशल वो नहीं मांगा था। तो ये आप समझ सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके 90% हैं, अगर आपके 90% हैं, तो आप ऐसे पद जहाँ पे 3,000 से 4,000 की वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो, वहाँ पे आपको मौका मिलेगा। तो हमें इतने के आसपास लेके आने हैं। लेकिन अगर आप 2022 का देखोगे, 2022 की जो वैकेंसी है, 2022 की वैकेंसी में जो आपका 86-87% था, वो 61-62 नंबर में बन गया, क्योंकि 2022 का पीटी थोड़ा सा कठिन था। और कठिन के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस बार फॉर्म अप्लाई करने वाले बच्चे भी ज़्यादा थे। पहले बार में कहीं देखा जाए तो 25 लाख के आसपास, और दूसरे बार में 37 लाख के आसपास, 10-15 लाख की जो बढ़ोतरी थी बच्चों की, ये काफ़ी मायने रखते हैं। और इसके कारण से होता क्या है, इसके कारण से आपके जो परसेंटाइल होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा नंबर पे होता है, या इस पर बहुत ज़्यादा वैरी होने लगता है, और कई बार पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो ये इसकी गणित है, मैं एक अलग वीडियो में इस चीज़ को समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको इतना मान के चलना है कि अगर आप वाकई में चाहते हो कि चाहे 100 पद निकले, चाहे 200 पद निकले, चाहे 500 पद निकले, मैं सारे ही वैकेंसीज में बैठ पाऊँ, तो आपको कम से कम 85+ टारगेट करना है। और अगर आप इससे कम टारगेट करते हो, अगर आपका 80+ भी रह जाता है, तो इतना मान के चलो कि 500 से 1000 पद किसी भी वैकेंसी में आएंगे तो आप 80+ के स्कोर में एलिजिबल रहोगे। और अगर 75-70 आते हैं, तो मतलब 2-3 हज़ार, जैसे अभी आपका क्या है, पीटी 2022 से अभी जूनियर असिस्टेंट का 3800 समथिंग वैकेंसी कल ही आई है। तो इस वैकेंसी में अगर बात किया जाए कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो इस बच्चे में लगभग 68 से 72 नंबर के बीच वाले, मतलब 70+-2 लेके चल सकते हो, 70 के इर्द गिर्द, कुछ ऊपर या कुछ नीचे वाले बच्चे इसमें बैठने को मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लेके चलो। अब ये जो हमारा है, कहने का मतलब, अगर एक सफिशियंटली सेटिस्फैक्ट्री पद आते हैं, क्योंकि बहुत कम पद आएंगे, 100-150 पद आएंगे, तो उसमें तो फिर मतलब सबका नुकसान है, केवल कुछ क्रीम बच्चे जो शायद कहीं सेलेक्टेड भी हैं उन्हीं को मौका मिलेगा, बाकी को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 2,000-3,000 पद आते हैं, तो अगर आपके 75 के आसपास, मतलब अगर आपका टारगेट 75+ का है, तो आप ये बोल सकते हो कि 2,000 से लेके 3,000 की वैकेंसी वाले में बैठने का अच्छे से मौका मिलेगा। अब इस 75+ को टारगेट करने के लिए हमारे पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो पीटी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो दो कैटेगरी के हैं। कहीं ना कहीं ऐसा बच्चा जो सिविल की तैयारी कर रहा है, जैसे वो आर ओ आर ओ की तैयारी कर रहा है, वो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, या कोई और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, जो भी इर्दगिर्द उसके लिए एक जो उसका सपना है, उसके लिए काफी सालों से चेज कर रहा है, बट वहां पे 1 अंक 2 अंक 5 अंक 10 अंक से हर बार रुक जा रहा है, या कई बार किसी गलती से या किसी कारण से, किस्मत खराब होने से नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है। अभी तक क्या था, जब तक पीटी नहीं था तब तक बहुत सारे पद ऐसे थे, जैसे लोअर पीसीएस पहले आयोग से आता था, उसे यूपी SSSC में कर दिया था, पीटी नहीं था तो वहां पे जो सिविल की तैयारी करने वाला बच्चा है, उसे लोअर पीसीएस के पद में वो क्या करता था, अपनी किस्मत को आजमा लेता था, और कई बार सेलेक्ट भी हो जाता था, वहां नहीं होता था तो यहां पे हो जाता था, ऑब्जेक्टिव टाइप होता था। नहीं कुछ तो उससे लोअर भी कुछ पद होते थे, जो थोड़ा सा, जैसे लेखपाल का पद हुआ, या वीडियोग्राम विकास अधिकारी का पद हुआ, जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी उनके लिए जरूरी है और उससे संबंधित लगभग कार्य दोनों का सेम है, या बच्चे प्रमोट होके उस रैंक में पहुंच सकते हैं रिटायरमेंट तक, ऐसे पद में को क्या करते थे, चूज कर लेते थे कि चलो भाई हम वीडियो का भर देंगे, लेखपाल का भर देंगे, या कई बार कनिष्ठ सहायक के भी पद के लिए बच्चे जो सिविल की तैयारी करते हैं भर देते हैं, भले ही पद छोटा है बट भर देते हैं, क्योंकि नौकरी ज़्यादा जरूरी होती है, बात को आप समझते हुए चलिएगा। तो दो तरीके के बच्चे हैं, एक तरफ जीएस बैकग्राउंड वाले, मतलब कि जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसे बच्चे हैं जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी SSSC में पहले से ही छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कनिष्ठ सहायक वगैरह की, जो भी सिविल की तरफ नहीं देख रहे, लेकिन कोई छोटा पद, कोई छोटी नौकरी चाह रहे कि मुझे मिल जाए। अब वो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे ऐसे बोले जाते हैं, इन दोनों के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती है। जैसे अगर पूरा पैटर्न, पूरे पीटी को देखा जाए, तो पूरे पीटी को अगर हम डिवाइड करें, तो पीटी को हम चार, वैसे प्रमुखता तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैथ्स भाग में, जो करीबन 30 नंबर का है, जिसमें 5 नंबर मैथ्स, 20 नंबर का DI और 5 नंबर का रीजनिंग, जिसे मैं मैथ्स कैटेगरी बोल रहा हूँ, ठीक है, आप रीजनिंग कैटेगरी बोल सकते हो, मैथ्स कैटेगरी। दूसरा आपका जो है वो लैंग्वेज, वो भाषा का संभाग है, भाषा मतलब इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ये करीबन 20 नंबर का है, ये कितना है 20 नंबर का है, मतलब 10 नंबर का आपका हिंदी पैसेज है, 5 नंबर का हिंदी कोरल, 5 नंबर का इंग्लिश है, जिसमें एक पैसेज छोटा सा पूछ लेता है, 2 नंबर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछ लेता है। ऐसे ही अगर तीसरा बात करें जीएस और जीएस में ए, वैसे तो ये 50 है, बट इसको दो कैटेगरी में तोड़ूंगा, एक आपका 30 का कैटेगरी, एक आपका 20 का कैटेगरी है। 30 का जो कैटेगरी है ये कोर जीएस है, ये क्या है, ये कोर जीएस है,
कोर जीएस मतलब एक ऐसा पार्ट है जिसमें जो ये वाले बच्चे हैं जीएस बैकग्राउंड वाले उनका ये हमेशा स्ट्रांग होता है। इसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और साइंस आता है जो पारंपरिक तरीके से पूछा जाता है। 20 नंबर क्या है, 20 नंबर में 10 आपका करंट अफेयर्स है जो हर साल सारे बच्चों को पढ़ना पड़ता है, वो चाहे जीएस बैकग्राउंड का हो चाहे मैथ्स बैकग्राउंड का हो, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। और 10 नंबर किसका होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, स्टैटिक जीके होता है जो इससे भी संबंधित होता है और थोड़ा बहुत करंट से भी संबंधित होता है, ये 10 नंबर मिसलेनियस होता है। तो ओवरऑल इसे 50 में बोलूं या फिर मैं इस 20 को 10-10 की कैटेगरी में बांट दूं, तो ये चार कैटेगरी बोलो तो मैथ्स, भाषा, जीएस और आपका यहां पे स्टैट पार्ट, स्टैट या करंट पार्ट, चार पार्ट, या अगर कोई बच्चा जीएस में लेना चाहे तो 50। कहने का मतलब कि जीएस वाले बच्चे उनका भी पढ़ला यहां पे भारी है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें 75+ अगर टारगेट करना है तो हमारे पास होना क्या चाहिए। मैथ वाले बच्चे आपको भाई डीआई हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया, इवन हिंदी पैसेज और हिंदी ये क्या होते हैं ये काफी आसान पूछे जाते हैं, इनमें आपको एक भी अंक गंवाने नहीं है, इस बात को ध्यान देना। ऐसे ही जीएस बैकग्राउंड वाले को इसमें से कोई भी अंक गंवाने नहीं है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 20 नंबर ये हो गया, 5 नंबर ये हो गया, 5 नंबर ये हो गया, 10 नंबर करंट अफेयर्स हो गया, 10 नंबर जनरल अवेयरनेस हो गया, 10 नंबर हिंदी पैसेज हो गया और 5 ये आपका हो गया। कहने का मतलब अगर 30, 30, 20, 50, 50, 60 और 65 नंबर जो किसके हैं, मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके 65 नंबर ये आसान होते हैं। और आप अक्सर देखे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा होता है पीटी में उसे 60 से 65 नंबर लाना, अगर वो मॉडरेट लेवल का है, अच्छी पढ़ाई करता है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते उनके 65 नंबर बहुत आसानी से आ भी जाते हैं। और अगर मैं जीएस बैकग्राउंड वालों की बात करूँ तो पॉलिटी हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, इंडियन ज्योग्राफी हुआ, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, हिंदी पैसेज और हिंदी, इनके लिए भी तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये भी आपका 10 हो गया, ये भी आपका 5 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका हिंदी पैसेज 10 हो गया और ये 5 हो गया। तो 30 इधर हो गया और 20, 30, 20, 50, 65 पे ये और 50 नंबर इनके लिए क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते, जिनमें मैक्सिमम अंक अर्जित करना है। 65 में 60 आ जाएं आपके, 50 में आपके 45 आ जाएं, बट इतना आपको करना ही करना है। आप अगर जीएस बैकग्राउंड के हो तो इस पे ज्यादा फोकस करो, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आप इस पे ज्यादा फोकस करो। उसके बाद अगर दूसरा पार्ट आता है जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है, मॉडरेट लेवल में अगर बात किया जाए तो जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, अगर इन तीन पार्ट की बात किया जाए, ऐसे ही जीएस बैकग्राउंड वाले के लिए एंशियंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस। और तीसरा जो इनके लिए सबसे कठिन पार्ट होता है मैथ्स बैकग्राउंड वाले के लिए, साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आपका इंग्लिश में रीडिंग कंप्रेशन। इंग्लिश हालांकि ऐसा नहीं कि मैथ्स बैकग्राउंड वालों का कमजोर होता है, बट फिर भी मैं इसे कम प्रायोरिटी रख दिया हूँ, जो ऐसे है राज्य स्तरीय बच्चे जो इंग्लिश की तैयारी नहीं करते। और ऐसे ही जो जीएस बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके लिए डीआई करना बहुत कठिन हो जाता है, मैथ्स करना, रीजनिंग करना और इंग्लिश करना, ये तो इनके लिए बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो नो डाउट अगर आपको यहाँ पे तैयारी करनी है और अच्छे अंक लेने आने हैं, 75% अगर आपको टारगेट करना है, तो आपकी ये जो विषय है ना, जो आपकी स्ट्रांग पॉइंट है, इनमें आपको 90% अंक अर्जित करने मिनिमम। मतलब अगर मैं 65 का 90% करूं तो कम से कम ये 55 से 56 नंबर आपको यहाँ पे 10 का टॉलरेंस लेके चल सकते हो, ऐसे कम से कम 40 का टॉलरेंस आप यहाँ पे लेके चलोगे, 40 नंबर आपको यहाँ पे अर्जित करना है। और फिर भी आपको 75+ अर्जित करने वाले के लिए जीएस बैकग्राउंड को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है कि जो आपका यहाँ पे 5, 5, 10, 5, 15 है, इसमें आपको अंक नहीं गंवाने हैं, क्योंकि इधर से क्या होते हैं बच्चों के अंक कम ही आते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे कर लेते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग पोर्शन को कर पाते हैं। इसलिए देखा गया है कि जो जीएस संभाग वाले बच्चे उनके जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े से कम रह जाते हैं, 70-72 के पास जाते हैं, जबकि जो वनडे वाले बच्चे हैं वो 75-80 के भी आसपास स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि उनको हर जगह बेनिफिट मिलता है, वो ये वाला पार्ट केवल नहीं कर पाते, बाकी पार्ट वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो अगर आपको करना है तो वही मैं बोल रहा हूँ, लगभग आपको 50 का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, लगभग 40 का टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन लेकिन इधर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है कि आप इस 50 में 40 नहीं कम से कम 45 का स्कोर करो, ताकि इनसे ज़्यादा पीछे मत जाओ। यहाँ पे आपका क्या है, 5, 5, 10, 5, 15 आपको भी मिल रहा है, 15 यहाँ पे आपको भी मिल रहा है, कहने का मतलब 15, 15 में दोनों को ही 10-10 नंबर लाने होंगे, तो इनका तो आपका 75 टारगेट अचीव हो जाता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे 45, 55 ही पहुँच पाते हैं। अब यहाँ पे जीएस वाले बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी, यहाँ पे क्या होती है इनकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है, रिलैक्स मिल जाता है। बट अगर आपको तैयारी करनी है तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से करनी है। एक बात देखो कि अगर इस पूरे जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पेपर बना रहे हैं उसकी एनालिसिस की बात की जाए कि पेपर कहां से बना रहा है, कैसे सेट कर रहा है, तो ये समझना कि ये हमेशा क्या कर रहा है, कुछ पार्ट हमेशा इजी कर रहा है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन इजी होते हैं, अब मैथ्स इजी आते हैं तो जो जीएस बैकग्राउंड वाला बच्चा है वो भी मैथ्स के 5 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन कर सकता है अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेगा, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा का पूरा
देखा जाए तो केवल एक चैप्टर पढ़ना है नंबर सिस्टम, बाकी कुछ पूछता नहीं है। इक्का दुक्का कहीं एक दो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लेता है, बट मैक्सिमम आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होता है। बेसिक मैथ पढ़ लोगे तो आप इससे कर ले जाओगे। रीजनिंग में भी कभी एक डायरेक्शन से हो जाता है, कभी क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ लेता है, और एक दो एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ लेता है, एक दो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके भी टॉपिक फिक्स होते हैं, रीजनिंग में भी नंबर लाना आसान होता है। हिंदी में भी क्या है, हिंदी का जो ग्रामर वाला पोर्शन है, मुहावरे वगैरह, ये सब आसान पूछता है। पिछली बार देखा गया था हिंदी पैसेज जो था थोड़ा सा कठिन था, लेकिन हिंदी फिर भी हिंदी पैसेज आसान कैटेगरी में रखा गया है। इंग्लिश भी आसान पूछता है क्योंकि तीन नंबर इसका पैसेज पूछ लेता है, एक सिनोनिम्स एक सिंटोनिम्स, तो पैसेज आसान होता है। कई बार सिनोनिम्स सिंटोनिम्स एक बार अगर आसान पूछ रहे तो ठीक है, कठिन पूछ रहे तो दो में से एक तो कई बार हो ही जाता है। ठीक है, हिंदी पैसेज भी आसान कैटेगरी में, करंट अफेयर्स किसी के लिए कठिन और आसान नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी शिद्दत के साथ करंट अफेयर्स पढ़ा है और कितना पढ़ा है। करंट अफेयर्स में आपको बता दूं कि तीन से चार महीने का ही पूछा जाता है, मतलब अगर आज आपका विज्ञापन आया है तो आज के बाद से पेपर बनना शुरुआत होगा। आपको जो करंट पूछा जाएगा वो आपका अगस्त महीने का, सितंबर महीने का, अक्टूबर महीने का। तो सबसे ज्यादा जो करंट इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत ज्यादा ले लो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इससे ज्यादा आपको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर आपका नवंबर में जाता है तब, अगर पेपर आपका दिसंबर में जाता है तब आप एक महीना और भी बढ़ा लेना, लेकिन आप जुलाई से पढ़ना शुरू कर देना। इससे पहले भी करंट अगर पूछेगा तो इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए आपको पूरी एनर्जी वर्क करने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट पार्ट में देखा गया, जनरल अवेयरनेस के पार्ट मॉडरेट होते हैं क्योंकि इसका कुछ पार्ट जीएस से भी मिल जाता है, कुछ पार्ट करंट से मिल जाता है। इंडियन ज्योग्राफी मॉडरेट देखा गया है, कुछ सिंपल फैक्ट होता है, कुछ कई बार कॉन्सेप्ट से पूछ लेता है। मॉडर्न हिस्ट्री भी जनरल फैक्ट पूछ लेता है, बहुत टफ में नहीं जाता है, तो ये मॉडरेट पार्ट है। लेकिन अगर देखा जाए तो डीआई हो गया, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो लगातार दोनों साल में जो है यूपी ट्रिपल एससी इसके पेपर पीईटी का कठिन सेट किया। और यही नहीं, अगर आप हाल ही में वीडियो का पेपर भी देखे होंगे तो ये भी इसमें भी रीजनिंग का पेपर काफी कठिन सेट किया गया था। तो इससे आपको एक चीज समझते हुए चलना कि जो डीआई का पार्ट है वो कैलकुलेटिव, और जो जीएस का पार्ट है उसमें खासकर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और थोड़ा बहुत पॉलिटी का पार्ट कठिन बनाता ही बनाता है। तो जीएस को वो थोड़ा बहुत स्टेट पीसीएस लेवल पे से कॉपी करता है, और डीआई को थोड़ा बहुत बैंक लेवल पे कॉपी करता है, और जिस कारण से क्या होता है पीटी पूरी की पूरी कठिन स्तर की परीक्षा मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि पीटी प्रारंभिक परीक्षा है तो आसान है, इसके लिए भी नंबर लाना कठिन होता है। आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और ये मेहनत इसलिए भी ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना, जो बच्चा 2021 के पीटी से सेलेक्ट हो गया, 2022 के पीटी से सेलेक्ट हो गया, इवन जो 2023 के पीटी से सेलेक्ट हो गया, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे, क्योंकि 2024 के पीटी से पीटी का इतना बुरा हाल होने वाला है। जैसे जैसे बच्चे होंगे वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, 27 लाख, 37 लाख, उसके बाद फिर 42-45 लाख, उसके बाद 50-55 लाख, उसके बाद 60 लाख भी किसी दिन पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे इनका मॉड्यूल है, मॉड्यूल का कॉमन कट ऑफ का मॉड्यूल है नहीं, तो जो बच्चा 99% 98% वही सारे एग्जाम में बैठ रहा है, तो नए बच्चे तो बैठ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि जो नीचे के बच्चे हैं वो बैठ नहीं पा रहे हैं, तो वो तो फिर से पीईटी देंगी क्योंकि स्कोर कार्ड एक साल के लिए केवल वैलिड है। फिर से अगर परीक्षा ही तो वो पीईटी में बैठ, ऐसा ना वंचित रह जाए तो वो पीईटी भरेंगे। वो दो साल लगातार पीईटी की तैयारी कर चुके हैं, उनका पूरा सिलेबस रटा हुआ है, वो फिर बैठेंगे तो वो परसेंटाइल क्या करेंगे, परसेंटाइल को बढ़ाएंगे, कट ऑफ को बढ़ाएंगे। नया बच्चा भी उसी दर से आ रहा है, उसकी ज्यादा तेजी दर से आ रहा है, तो वो तो भीड़ बढ़ा ही रहा है, मेहनत भी ज्यादा करना चाह रहा है तो वो भी बढ़ा रहा है। तो ये हाल कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा, जैसे आप लोग गेट कैट में देखते हो ना, 99% लगा है तो टॉप आईआईएम वगैरह मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। सिमिलरली केस आपको यहां पे भी मिलने वाला है कि अगर 99% हो तो आपको नौकरी मिलेगी, अन्यथा भैया आप छोड़ दो, आप अपनी तैयारी ज्यादा बेहतर है दूसरी तरफ लगा लो। यथार्थ यही है, जो सत्य है वही मैं आपको बोल रहा हूं, हो सकता है आपको बात सही लगे, बट प्रैक्टिकलिटी यही है कि 2023 के बाद वाले पीटी के बाद शायद बहुत मुश्किल हो जाए यूपी ट्रिपल एससी की नौकरी लेना। इवन छोटे से छोटा पद भी आईएएस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगेगा यूपीएससी इतना मेहनत कर लेती, यूपीएससी ज्यादा आसानी से निकल जाता, पीटी का करने सहायक इतना आसानी से नहीं निकल रहा है, समझ रहे बात को, यूपी ट्रिपल एससी का। तो ये सीन चलने वाला है, तो आपको अभी इस बार आपको सामदाम दंडभेद लगा देना है। अब जैसे पूरा सिलेबस आपके सामने हाई है, ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, सारा भूगोल है इसमें। एक चीज खास बात है, मैं पीडीएफ फिर से लगाया हूं, कि आपको पूरा टॉपिक पीटी में नहीं पढ़ना है, बस आपको टॉपिक से संबंधित रहना है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्र संग्राम, इतना आपको टॉपिक बस उतना उतना ही पढ़ना है। इसमें आपको फिर सिविल लेवल पे ये नहीं पढ़ना है कि फिर इसमें आपको जो छोटे छोटे
आंदोलन है वो भी पढ़ लो, छोटे छोटे समाज है वो भी पढ़ लो, ये सारी चीजें नहीं है। जो आपको टॉपिक दिया है आपको उन्हीं चीजों को बस स्ट्रिक्टली पढ़ना है। जैसे इसमें आपको पांच ही पॉइंट दिया है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। अब ये हिस्ट्री क्यों टफ हो रही, क्योंकि हिस्ट्री में प्रारंभिक वर्ष दे दिया, इसका मतलब वो 1700 तक की बात कर दिया। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल दिया, मतलब पूरी महात्मा गांधी जी के बारे में। अब महात्मा गांधी जी के बारे में बोल दिया तो उनसे सारी भूमिकाएं, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, टॉपिक वास्ट हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये भी 1857 के बाद, सब ये सारी टॉपिक कवर हो गया, इसलिए हिस्ट्री टफ हो जाती है। जबकि वहीं पर अगर हम ज्योग्राफी बात करें तो ज्योग्राफी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इसमें टॉपिक सीमित हो गया। क्या भारत में विश्व के भूगोल में से क्या कहते हैं, केवल नदियां तथा नदी घाटियां, मतलब आपको नदी टॉपिक, नदी अच्छे से पढ़ लो आप, भूजल संसाधन पढ़ लो जो नदी में ही आ जाएगा, आप पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद पढ़ लो, हिमनद भी इसी में आ जाएगा और पर्वत पहाड़ियां भी लगभग रिलेटेड है। तो आपका जो भारत की फिजियोग्राफी है ना वो आप केवल पढ़ लोगे तो ये सारे टॉपिक, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र भी इसी में कवर हो जाएगा और इवन वन भी इसी में कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में केवल आपको खनिज संसाधन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं पढ़ना है। फिर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल है, जलवायु तथा मौसम है, टाइम जोन है और जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास है, जिससे क्वेश्चन रेयरली पूछता है। ये टॉपिक ना ही समझो कि सिलेबस में है तो ज्यादा बेटर है, रेयरली कहीं पूछ ले तो पूछ ले, बाकी आपके इतने ही टॉपिक है, 3 से 4 टॉपिक, समझ में आ रहा है। तो ये इसलिए ज्योग्राफी थोड़ी सी आसान हो जाती है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इन्होंने टॉपिक ऐसे दे रखा है कि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बन जाते हैं तो थोड़ा सा टफ पार्ट बन जाता है। बाकी जो जनरल साइंस है उसमें पूरा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें भी केवल कॉमन फैक्ट पूछता है। जैसे जीव विज्ञान में आपसे बीमारियां वगैरह पूछता है तो आपको वही ज्यादा पढ़ना है, रसायन विज्ञान में आपको केमिकल फॉर्मूला वगैरह ज्यादा पढ़ना है और भौतिक विज्ञान में आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको पढ़ना है, बहुत डीप नहीं पढ़ना है। साइंस में बहुत टाइम नहीं बर्बाद करना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखो, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, ये आपकी 2 क्लास की टॉपिक है। वर्ग एवं वर्गमूल 1 क्लास की टॉपिक है। घातांक एवं घात, औसत 1 क्लास की है। औसत एक अलग टॉपिक है, इसे 6वां पॉइंट रख लो, औसत ये 6वां पॉइंट है, ठीक है, इसे एवरेज बोलते हैं, यहां पे औसत नहीं है। तो आपको और एक साधारण अंकगणितीय समीकरण, ये भी आपका नंबर सिस्टम के टॉपिक है। तो ये नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम, अब बचता है आपका केवल 2 टॉपिक, एक आपका परसेंटेज अलग से पढ़ना है, एक आपका एवरेज अलग से पढ़ना है, जो बेसिक ही क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, इसलिए मैथ्स आपकी आसान है। हिंदी में कुछ ही टॉपिक है, जैसे आपको संधि पढ़ना है, समास नहीं पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, बाकी आपको संज्ञा सर्वनाम ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे से 1-2 प्रश्न हमेशा पूछता है, सामान्य अशुद्धियां यहां पे पूछता है और लेखक और रचनाएं ये आपके लिए क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहां से टॉपिक थोड़ी कम पूछी जाती है। बाकी अंग्रेजी में 1 क्वेश्चन सिनोनिम्स का, 1 क्वेश्चन एंटोनिम्स का, 3 क्वेश्चन पैसेज, यही पैटर्न है इसका। रीजनिंग भी क्या है, आपको देखो कैलेंडर घड़ी से 1 क्वेश्चन कंफर्म पूछता है, उसके बाद यहां से ऑड वन आउट से 1 क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा, उसके बाद आपका रिलेशन से, एक ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन अलग कंफर्म पूछेगा, फिर आपका ये क्रम और रैंकिंग और बृहत और लघु, एक ही टॉपिक है, यहां से 1 क्वेश्चन आएगा केवल और 1 क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जा सकता है, मतलब इन 2 से 1 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के यहां से पूछा जाएगा। फिर करंट अफेयर्स आपको मैंने बता ही दिया कि आपको 4 महीने का पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस आपको कोर और करंट से ही रिलेटेड है, ये आपका पैटर्न और इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। रही बात आपको जो टफ टॉपिक है, जैसे DI हो गया, DI को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज्यादा आपका स्कोर आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को कवर करने के लिए हम अपनी तैयारी किस प्रकार से करें, हमारे पास बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो मैं एक चीज बता दूं कि इसके लिए कोई आपको स्पेशल बुक की जरूरत नहीं है, आप जैसे अन्य एग्जाम की तैयारी करते हो वही आपके लिए किताबें हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं इसके लिए अच्छे से पढ़ लो तो GS के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हो, और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं एकदम फिल्टर्ड कंटेंट मिल जाए तो परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको पूरे GS का, केवल जो जो टॉपिक है उस टॉपिक के इर्द गिर्द सारी चीजें वो आपको दिया है और बहुत ही फिल्टर्ड, बहुत ही अपडेटेड नोट्स, वो आप परीक्षा प्लस ऐप से वहां से पढ़ सकते हो, ये मेरा सजेशन है। या फिर आप क्या पढ़ लो, या फिर लूसेंट पढ़ सकते हो, ये ज्यादा बेटर है, लूसेंट पढ़ लो या परीक्षा प्लस, दोनों में से कोई भी चीज, परीक्षा प्लस के नोट्स पढ़ लो जो फिल्टर्ड, अगर आप बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट चाहते हो तो यहाँ पे पढ़ लो। लूसेंट में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा प्लस में आपको वो भी फिल्टर करके दिया गया है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि PDF की, तो मैं PDF में ये बोलूंगा कि भाई PDF का कलेक्शन मत करो, आप एक ही 2 किताब को फॉलो करो, आप लूसेंट को 10 बार पढ़ो, परीक्षा प्लस की किताब को 10 बार पढ़ो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये सबके लिए अलग अलग किताबें हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा तो ये पूरा PET के लिए जो
हमारी किताबें हैं, एक एक पार्ट का हमने अलग अलग पूरी किताबें ही आपको दे रखी हैं, ई बुक फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये परीक्षा प्लस ऐप में मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका बैच लिखा हुआ, कोर्स लिखा हुआ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बच्चों, इस बार मैं आपके लिए कोई लाइव क्लासेस लेकर नहीं आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सेम चीजें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वो बच्चा रिकॉर्डेड भी देख सकता है, चार चार वीडियो देख के अपना कोर्स जल्दी खत्म कर सकता है। तो वहाँ पे फालतू में मुझे आपसे एक ही बार पैसा लेने की आवश्यकता है, बार बार कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझते हुए चलना। प्लस एक बात समझना कि जो बच्चे पहले से ही परचेज किए हुए थे उनकी भी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, तो उनको भी अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको केवल वहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है। वो इतना आपके लिए जो परीक्षा प्लस से हो सकता है वो हम आपके लिए पीटी के लिए कर दे रहे हैं। तो पीडीएफ इसका कलेक्शन पे भूल जाओ। तीसरी बात है, जो सबसे ज्यादा रोल है ना वो टेस्ट सीरीज का है। सबसे ज्यादा जो रोल है आपका वो है आपका टेस्ट सीरीज का। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप टेस्ट देने का प्रयास करो, और टेस्ट आप ऐसे दो कि टॉपिक वाइज टेस्ट करो, कि एक टॉपिक आप पढ़ो उस टॉपिक पे आप टेस्ट कर लो, दूसरी टॉपिक पढ़ो दूसरी टॉपिक आप टेस्ट कर लो, कि एक एक टॉपिक की बारीकियां आपको समझते हुए चले जाएं, और उसके बाद लास्ट में आप फुल लेंथ को प्रैक्टिस करो। तो इस हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। टेस्ट आप जितना आप एक संस्था से नहीं या मल्टीपल संस्था से टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा लगा लोगे उतना ही ज्यादा आपकी गलतियां आपके सामने आ जाएंगी और आपका सुधार हो जाएगा, आपके स्कोर बढ़ जाएंगे। तो मैं जो सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ आपको टेस्ट सीरीज पे कर रहा हूँ, और दूसरा आपको कर रहा हूँ बुक्स पे कर रहा हूँ। क्लासेस की बात है, क्लासेस किया जाए कि ना किया जाए, तो एक बात आप समझो कि पीटी का सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली क्लासेस की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है यार कोई मैराथन दे देता, कोई हमें सामने खड़ा होकर पढ़ा देता तो मैं कराता। ऐसा नहीं होता बच्चों, आज के समय में वो जमाना नहीं है, 2012-13 साल का नहीं है कि कोई सामने आपको बस आप कोई बोलता जाए, आप सुनते जाओ। केवल सुन लेने से आपकी परीक्षा नहीं निकलेगी, केवल देख लेने से, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें कोई इतना वास्ट सिलेबस नहीं है कि स्पेशली आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए, आपको समझ में ना आए। मैथ्स सिंपल सी चीज़ है आपको, रीजनिंग सिंपल सी चीज़ है, जीएस आपको खुद पढ़ सकते हो, हिंदी आप खुद पढ़ सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता, हमें थोड़ा बेस चाहिए, तो आपके लिए जो पुरानी क्लासेस हैं वो सारी ही वीडियो क्लासेस आपको क्या कर दी हैं, वीडियो क्लासेस फ्री में एक्सेस दे दी गई हैं, इस बात को आप समझिएगा। ये वीडियो क्लासेस आप जाके परीक्षा प्लस ऐप पे कर सकते हो। परीक्षा प्लस आपके लिए इसके लिए डेडिकेटेड कोर्स लेके आ रहा है पीटी 2023 के लिए, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस, ये वीडियो क्लासेस वीओडी है, मैं आपको बता दूं रिकॉर्डेड है। लाइव में हम आपको कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा देंगे, कुछ आपके टेस्ट प्रैक्टिस करवा देंगे, बट हम लाइव आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने आएंगे। स्टडी मटेरियल आपको पूरा दिया गया जो आपको किताबों में दिखाया, इसमें हमको 50 प्लस टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें हम 40 प्लस आपको टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि आपको मैंने पूरे सिलेबस को चार टॉपिक में डिवाइड किया, मैथ्स वाला पार्ट अलग, जीएस कोर वाला पार्ट अलग, जनरल अवेयरनेस करंट वाला पार्ट अलग, और लैंग्वेज वाला पार्ट अलग, चार पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब प्रत्येक पार्ट के मैं आपको 10-10 क्या करा दूंगा, 10-10 आपके सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट करवा दूंगा, ताकि आपको एक एक प्रश्न पे क्या हो जाए, मजबूती मिल जाए। और उसके बाद आपको इसी में क्या मिल जाएगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, जिससे आप टोटल अपना स्कोर कितना आ रहा है वो जांचने में और अपनी गलतियों को निखारने में यहाँ पे कामयाब हो पाओ। इसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम की डेट तक रहेगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें जो इसकी शुल्क भी देखा जाए तो पूरी वीडियो भी आपको दे रहे हैं, पूरी किताबें भी दे रहे हैं, 50 से ज्यादा टेस्ट, मतलब कि आप मान के चलो कि ये जो आपका शेड्यूल है यहाँ पे आप देख सकते हो 16 अगस्त से कंटिन्यू होगा, 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19 फिर आपका 20 को आपका फुल लेंथ होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फुल लेंथ का रखा गया है, फिर आपका 21 22 23 24 फिर आपका 25 26 एक दिन भी आपका गैप नहीं है। मतलब आपकी जो तैयारी होगी 16 तारीख से आप स्टार्ट करोगे, 16 अगस्त से 15 अगस्त के बाद से, आजादी के बाद से आप भी आजाद हो जाओगे, तो 16 अगस्त से आपको क्या हो जाएगा 15 अक्टूबर तक लगातार एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। और अगर ये 60 दिन हमें दे लिए, ये लगभग 60 दिन का पूरा ये है आपका प्रैक्टिस का, जिसमें आपको जो नोट्स दिए जाएंगे आपको बताया जाएगा, आपको एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा और आपको पूरा स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी कराई जाएगी। बहुत अच्छा बैच, हम लोग बहुत हाइब्रिड बैच निकाल रहे हैं, बहुत बेहतरीन, कि किसी को कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट कर ले, किसी की प्रैक्टिस भी चलती रहे, उसका जो टारगेट आपको दिया जाए डेली टारगेट बेस आपकी पढ़ाई करते चलो, बहुत ही बेहतरीन इसका कोर्स निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपको लगातार अगर 60 दिन दे लिए तो इतना मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि 80 प्लस स्कोर आपका कोई रोक नहीं पाएगा, अगर आप शिद्दत के साथ परीक्षा प्लस को इतना टाइम दे दिए तब। लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, अगर आप नहीं लगोगे तब तो मैं भी गारंटी नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर जितना हमारे अध्यापक, जितना मैं आपको बोल रहा हूं, इतना अगर आप कर लिए, सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, भाई मैं आपको अच्छे से अच्छा नोट्स देने की गारंटी मैं आपको ले रहा हूं, आपको ये एश्योर करा रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं कि आपको जो नोट्स मिलेंगे फुल्ली अपडेटेड, बहुत ही
क्वालिटेटिव बहुत ही बेहतरीन, एक भी क्वेश्चन उस नोट से बाहर नहीं होगा। लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा, नहीं सर आपने जो मुझे कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, जो आप टेस्ट ले रहे हैं इसमें मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और जब आप इतना कर लेंगे, 60 दिन हमारे साथ लग जाएंगे, तो इतना गारंटी है कि आपका 80+ स्कोर आ जाएगा। लास्ट में हम आपका रिविजन लेके आएंगे 15 अक्टूबर के बाद, जब भी जितना भी हमें समय मिले, लगभग एक से पांच नंबर के बीच में आपका पेपर हो जाना है, तो जितना भी समय मिले उतने में हम आपका बाकी रिवीजन करवाते हुए चलेंगे। इस कोर्स से जुड़ना है तो आपको करना क्या है, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। परीक्षा प्लस ऐप जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट है live.parikshaplus.org, आप उसमें जाएंगे तो ये कोर्सेस आपके आएंगे। UP SSC में जाएंगे तो आपको UP SSC PTE का मिल जाएगा, 422 प्लस GST, GST लगने के बाद 499 आपको आएगा। इसमें सारी व्यू डिटेल्स देख के अगर देखोगे तो इसमें पहले ही सारी की सारी क्लासेस लग गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारी के सारी PDF, ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, उसका डिस्कशन है, जो भी आपके स्ट्रेटेजी हो सकती है, सारी इंग्लिश की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, सब कुछ इसमें आपको बहुत बाकायदा दिया गया है। जो भी आपको इसमें जरूरी है वो पढ़ो, वो नोट्स आप प्रिंट कराओ, प्रिंट आप करवा सकते हो डाउनलोड करके, आप वीडियो को अपने ऐप में रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इसके अतिरिक्त एक जानकारी आपको मैं और दे दूं कि UP SSC PTE के साथ साथ UP SSC जूनियर असिस्टेंट का जो आया है, इसकी भी हम टेस्ट सीरीज निकाल लें। इसमें भी 50 टेस्ट हैं, जैसे आपका इसका टेस्ट चल रहा है, सिमिलरली आपका डेली वाइज UP SSC जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम आपको वीडियो नहीं देंगे, इसमें आपको केवल टेस्ट सीरीज और आपको जो बुकलेट नोट्स हैं, जैसे हम लोग पीटी का दिखाए ऐसे ही आपको एक बार में, अगर मैं आपको थोड़ा सा डेमो देखना चाहते हैं तो मैं एक बार डेमो दिखा देता हूँ, हाँ, कि वो डेमो क्या है, जो नोट्स है आपके, ठीक है। चलिए शायद इसमें है नहीं, बट मैं उसे आपको आगे भी दिखा दूंगा, या फिर आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे डेमो PDF लगी हुई है, वहीं से आप देख लेंगे पूरी की पूरी PDF, सारे नोट्स की PDF, उसमें कुछ भी ऐसे दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारे कोर्स, इससे आप जुड़ सकते हो। बाकी जैसा मैं आपको बोला हूं, इस बात को आप थोड़ी सी गंभीरता के साथ लेके चलना कि ये आपका क्या है, ये आपका अंतिम समय है जिसके लिए आप थोड़ा प्रयास कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद का वर्ष आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। PTE वाकई में बहुत कठिन होने वाली है। उम्मीद है इस पूरे सेशन से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा, एक आपके अंदर ऊर्जा आई होगी कि नहीं, अगर मैं ऐसे करता हूं तो PTE का मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और करने वाले ही करते हैं, ऐसा नहीं, अगर आप भी ऐसे ठान लोगे, ऐसे लग जाओगे, अगला 60 दिन हमें दे दोगे तो निश्चित रूप से आपका स्कोर हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो आप खुद से तैयारी करो। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं भाई, परीक्षा प्लस कभी पैसे के लिए नहीं सोचता, बट आपके वेलबींग के लिए सोचता है, और आपके लिए जो सही राय है वो राय देने का प्रयास करता हूं मैं, और जो आपको अच्छा भी लगेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए वो फायदेमंद भी होगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कोर्स से जुड़ना चाहें तो हमारा परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। साथ में ही अगर आपको पास अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपके पूरे क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई जानकारी लेना है तो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।